जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजभूषण कभी छाती छूते तो कभी कुछ, पुलिस ने कहा है महिला पहलवानों का सोशल हुआ। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर विस्तार से, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बता दें महिला पहलवान से कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने जिरह शुरू की है। कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह को आज यानी गुरुवार को पेशी से छूट प्रदान की। अब इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगा। बता दें दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया है कि 15 जून को चार्ज शीट दाखिल हुई और मामले में 44 गवाह बनाए गए, जिसमें से 6 पीड़ित हैं, 22 पब्लिक विटनेस हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि 21 अप्रैल 2023 को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पीड़िता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इसके बाद मामले में FIR दर्ज हुई थी। दिल्ली पुलिस ने एक शिकायतकर्ता की शिकायत के बारे में कोर्ट को बताया है कि उन्होंने 2019 में अशोक रोड पर कुश्ती संघ ऑफिस पर अपने भाई के साथ की गई, लेकिन मेरे भाई को बाहर रोक दिया गया। इसके बाद ब्रजभूषण ने ऑफिस के अंदर मौजूद दूसरे व्यक्ति को ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहा और दरवाजा बंद करने को कहा। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि शिकायतकर्ता ने आगे कहा है, उसके बाद आरोपी ने मुझको अपनी तरफ खींचा और गलत तरीके से छुआ था, जिसका मैंने विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने एक शिकायतकर्ता की शिकायत के बारे में कोर्ट को बताया है, जिसमें उसने कहा कि वह अपने पति के साथ संघ के ऑफिस गई थी, लेकिन उसके पति को ऑफिस के बाहर रोक दिया गया था। ऑफिस के अंदर अलग सोफे पर बैठी हुई थी, लेकिन ब्रजभूषण उसके पास आकर के बैठ गया और उसको गलत तरीके से छुआ, जिसके बाद वह ज्यादा घबरा गई थी। इसकी जानकारी उसने पति को दे दी, वह भी बहुत डर गई थी। उनको दोबारा अगले दिन फिर संघ के दफ्तर बुलाया गया, जिसके बाद वह ऑफिस गई और फिर ब्रजभूषण ने उसको गलत तरीके से छुआ था। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि लगातार समय समय पर अलग अलग जगहों पर महिला पहलवानों का यौन शोषण किया गया। दिल्ली पुलिस ने आगे कहा है कि ब्रजभूषण कभी कहते थे पिता समान है, कभी छाती छूते थे, कभी सांस की जांच करते थे, कभी डॉक्टर भी अकेले में सांस की जांच नहीं कर सकता और परिजनों की मौजूदगी में डॉक्टर भी सांस जांच करता है। वहीं ब्रजभूषण के वकील ने कहा है कि मामले में 6 अलग अलग शिकायत की गई, सभी शिकायतों में अलग लगभग 3 अलग अलग घटनाओं का जिक्र है, उसकी एक साथ जांच की गई और एक चार्जशीट दाखिल की गई है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट।